पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह कहानी है एक बहुत ही हसमुख और बहुत ही हुनरमंद अभिनेता की, नाम है जिनका रितेश विलास राव देशमुख। इनका जन्म हुआ 17 दिसंबर सन 1978 में। इनके पिता जाने माने राजनीतिज्ञ रहे और महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर भी। इनके पिता यूनियन मिनिस्टर भी रहे। इनके माताजी का नाम है वैशाली। इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है अमित देशमुख और छोटे भाई जिनका नाम है धीरज देशमुख। इनके दोनों ही भाई राजनीति में गए, पर रितेश देशमुख ने अपने लिए कला की राह चुनी। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल में और उसके बाद इन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री ली कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से। ऐसा बताया गया, इन्होंने विदेश में आर्किटेक्चरल फर्म के साथ काम किया तकरीबन एक बरस के लिए और उसके बाद ये भारत वापस लौट आए। इन्होंने अपनी फिल्मों की शुरुआत की हिंदी फिल्म तुझे मेरी कसम से, जिसमें इनकी हीरोइन थी जेनिलिया डिसूजा। तब यह अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था कि आगे जाकर ये शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रितेश देशमुख नजर आए आउट ऑफ कंट्रोल में और फिर मस्ती में। इन्होंने अधिकतर कमाल की कॉमेडी फिल्म्स की हैं। इनकी कॉमिक टाइमिंग, इनका हंसमुख अंदाज वाकई सबके दिल को भाया। मालामाल वीकली रही या फिर अपना सपना मनी मनी या फिर ब्लफ मास्टर जिसमें अभिषेक बच्चन इनके साथ थे। ये साजिद खान की फिल्म हे बेबी में नजर आए थे अक्षय कुमार और फरदीन खान के साथ और उसके बाद कॉमेडी फिल्म्स में इन्होंने कमाल ही कर दिया। जैकलिन फर्नांडिस के साथ आए थे नजर ये फिल्म अलादीन में, जिसमें अमिताभ बच्चन और संजय दत्त इनके साथ थे। हालांकि इनके किरदार की बहुत तारीफ हुई थी फिल्म एक विलन में। साथ ही इन्होंने मराठी सिनेमा की तरफ रुख किया और लय बहारी में इन्होंने जबरदस्त एक्शन भरा किरदार निभाया। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया मुंबई फिल्म कंपनी, जो कि साल 2013 में बनाया गया था, जिसमें इन्होंने एक मराठी फिल्म प्रोड्यूस की बालक पालक। इस फिल्म को बहुत से अवार्ड्स मिले। इन्होंने अपनी क्रिकेट टीम भी लॉन्च की वीर मराठी, जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का हिस्सा बनी। इन्होंने जेनिलिया डिसूजा से विवाह किया और शादी से इन्हें दो बेटे हुए, बड़ा बेटा रियान और छोटा बेटा राहिल। रितेश देशमुख लगातार काम करते रहे। सोशल मीडिया पर भी ये अपनी बीवी जेनिलिया डिसूजा के साथ बहुत एक्टिव रहते हैं। कई फिल्मों में ये बतौर हीरो नजर आए तो कई मल्टी स्टारर फिल्मों में इन्होंने काम किया। इन्होंने कई टेलीविजन शोज भी होस्ट किए। इन्होंने कई अवार्ड शोज भी होस्ट किए। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बहुत ही संजीदा और साथ ही बहुत ही हसमुख अभिनेता बनके उभरे रितेश देशमुख वाकई एक कमाल के कलाकार हैं। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।